नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का शुरुआत भी करेंगे। अखिलेश यादव बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे, जहां सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव खुजराहो में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के लिए बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा अखिलेश यादव साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत सीट मांग रहे हैं। मिजोरम को छोड़कर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव लड़ने जारी है। समाजवादी पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में 6 प्रत्याशियां तो राजस्थान में 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वह कांग्रेस पर दबाव बनाकर चारों राज्यों में सीटें हासिल कर पार्टी का विस्तार करें, मगर क्या अखिलेश की रणनीति कांग्रेस को आएगी रास? तो साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। वहां पर यह देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव मिजोरम को छोड़कर बाकी उन सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार काफी प्रोएक्टिव नजर आ रही है। समय समय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और अपनी जमीन को तलाशने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से यहां पर कुछ सीटों का जिक्र किया है। बात बनेगी क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें छत्तीसगढ़ में देगी, क्या कांग्रेस राजस्थान में सीट देगी, ये तमाम तरह के सवाल निकलकर आ रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खुजराहो में जाकर प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भागीदारी को लेकर खींचतान बढ़ रही है। आलम यह कि यूपी में सपा से उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस के लिए चुनौती और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के शासन वाले राज्य राजस्थान में भी चुनावी दावा किया है। अखिलेश ने राजस्थान में चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पार्टी यहां पहले ही 6 पार्टी पर उम्मीदवार उतार चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 16 अक्टूबर को यहां भी अखिलेश का दौरा तय है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, मगर यहां भी सपा ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार पर नाम पर मोहर लगा दी है। सपा ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक सूरजभान धानका को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। सीटों को लेकर के कहीं कोई ट्रबल नहीं है, कहीं कोई हिंडेंस नहीं है। हाँ, ये सही है कि इंडिया परिवार सब मिल करके एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा इंडिया परिवार जनता की आवाज बन करके आगे बढ़ रहा है और पूरे इंडिया परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जनता को भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाना। अखिलेश यादव काफी प्रोएक्टिव हैं, तैयारियां कर रहे हैं और कई जनसभा उनकी होने वाली है। क्या बात बनेगी इंडिया गठबंधन से, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, नेता भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तारिक खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मिजोरम को छोड़कर अखिलेश यादव सभी राज्यों में प्रचार करेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे।
सवाल मेरा सर आपसे है कि क्या इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की बात बन पाएगी, क्योंकि आप अलायंस में हैं और विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। स्टेटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चुनाव और चुनाव कब होता है? अभी तो बिल पास कराकर देखें बीजेपी की मंशा क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये सीधा सा तारिक खान साहब की आवाज को ठीक कराइए, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तारिक जी आप अपनी ईयरफोन को हटा लीजिए। संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे तारिक खान साहब से। भदौरिया साहब मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। भदौरिया साहब सवाल मेरा आपसे है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और जिसमें यह देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ अखिलेश यादव आने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं अगर इंडिया अलायंस मिलकर अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी परेशानी बनेगी? मैं सुनील जी यही कहना चाहूंगा कि ये गठबंधन चुनाव आते आते लटकते जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने देखा कर्नाटक में वो निकली गई इसके साथ में, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ जो है ना एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए एक दूसरे के राज्यों में, तो मुझे नहीं लग रहा कि गठबंधन की उम्र ज्यादा लंबी होगी। हो सकता है कि चुनाव से पहले ही एक में जाएंगे। नीतीश जी वहां देखो किस तरह से लालू से नाराज चल रहे हैं, न्यूज पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि सर ये देखा गया क्योंकि बाई इलेक्शन में ये देखा गया है, चाहे वो घोसी की बात हो चाहे वो और भी जगह की बात हो, हालांकि कुछ जगह बीजेपी जीती थी लेकिन बाई इलेक्शन में देखा गया कि इंडिया अलायंस के साथ अगर घोसी की बात की जाए तो हालांकि हम घोसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया था समाजवादी पार्टी का और उसके बाद बीजेपी को वहां मुंह का हार देखना पड़ा था। तो सवाल मेरा आपसे है कि अगर अलायंस और समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर साथ आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी बनती हुई नजर आएगी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि वो घोसी विधानसभा थी, एक सीट थी, कांग्रेस का वहां पर कुछ नहीं, समाजवादी का इसलिए नाम खेला गया था कि समाजवादी शायद एंटर कर देगी क्योंकि बीजेपी ना तो वहां कांग्रेस अपनी अस्तित्व हो चुकी है और ना ही इनके अन्य सहयोगी दल है उनका घर वहां पर है, तो कुछ है अकेली एक समाजवादी थी इसलिए सबने इनका सहयोग किया। अब रही बात मध्यप्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़, यहाँ अन्य पार्टियां हैं उनका कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ में समाजवादी का क्या है कुछ भी नहीं, मध्यप्रदेश में समाजवादी का क्या है कुछ भी नहीं, किसी तरह से राजस्थान में समाजवादी का क्या है कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या कांग्रेस से सीटें देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जब नई सीटें मिलेगी तो यह गठबंधन में जरूर इनके दरार आएगी और टूटने। तारिक खान साहब, तारिक खान साहब सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस क्या अखिलेश यादव को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्या अलायंस में साथ देगी? ये आप सवाल पूछिए, भाजपा ना पूछिए, अभी AIDMK इनको छोड़ के गई है ना, ये लोग ना पूछे, पहले अपना मुंह देखें आईने में, आप सवाल पूछिए। भाजपा क्या कहती है कि ये चले जाएंगे वो भाग जाएंगे, अभी AIDMK ने छोड़ा ना इनको, क्यों छोड़ा? इस पे अध्ययन होना चाहिए, एक दिन डिबेट रखिए सुनील भाई। ठीक है सर, रख लेंगे। आप तो सीट का जो ऐसा है कि इंडिया गठबंधन आपस में बात कर रहा है, अगर स्टेट में समन्वय बनता है तो बिल्कुल समन्वय बना के आए सर जाएगा? अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में समाज, लेकिन अगर और राज्य में कंपेयर किया जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तेलंगाना की जाए, तो वहां पर नहीं है, तो वहां पर क्या कांग्रेस आपको किनारे कर देगी अलायंस आपको कि साथ लड़ोगे? बयान इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते मैं किसी भी सार्वजनिक पटल पर नहीं देना चाहता कि समाजवादी पार्टी उनको किनारे कर देगी या वो हम उनको किनारे कर देंगे या वो हम नहीं। सर इसमें ये भी देखा गया था क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुए, आप बता दो उत्तराखंड के बागेश्वर का, पता है मुझे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार वहां पर उतार दिया गया और इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी बसंत को उतारने पर, बसंत कांग्रेस के वहां पर थे और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था
और फिर आप लोग अलायंस में भी हो, अपने अपने उम्मीदवार भी उतारे हो, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, ये क्या है? बिल्कुल डाइजेस्ट होगी, कमेटी बनी हुई है, डिफरेंट कमेटियां, चार पांच कमेटियां। अखिलेश यादव ने प्रचार चालू कर दिया सर, साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बोल लीजिए फिर, हम नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए सर, मैं शुरू करता हूँ आपका अगला। अरे सर बोलिए, आप बोलिए सर, हम निकले तब हम एक साथ जवाब देना। अब जैसे मैं शुरू करूंगा तब आप बीच में बोलिए, और फिर कहेंगे आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरा बोलिए। अरे सर बोलिए ना, मैं नहीं बोल रहा, बोलिए। आप सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब, एक्सक्यूज मत दीजिए सर, बोलिए। ओहो, सब एक साथ पूछिए ना, बीच में मत बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव साहब प्रचार करने लगे, डिफरेंट कमेटियां इंडिया गठबंधन में बनाई है जिनका काम है आपस में समन्वय बनाना, क्योंकि बार बार इतने बड़े नेता बैठ के बात कर पाओ ये संभव नहीं है, इसलिए हमने डिफरेंट कमेटियां बना दी है, इस पर भी गंभीर रूप से चर्चा की जाएगी। लेकिन ये कोई विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना किसी ने हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया है, ना उधर से कोई स्टेटमेंट आया है। अब बिल्कुल कमेटियां जो बनी हुई है वो बात करेंगे, जो आउटकम निकल के आएगा, अगर कोई बीच का फॉर्मूला निकल के आता है तो हम उसके साथ काम करेंगे। मगर पार्टियों ने कतई ये बात कही है, डिफरेंट जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी ने नहीं कही, मगर डिफरेंट अलायंस ने कहा कि हम लोकसभा के लिए इस गठबंधन में जा रहे हैं। मगर अगर उसके हट के भी कोई बात होती है तो उससे जरूर बात होगी। और जो कमेटियां बनाई गई हैं उनका काम यही है कि कोऑर्डिनेशन, तो क्या स्टेट के इलेक्शन सर पे आ गए, टिकट डिक्लेयर किए गए, तो वो कोऑर्डिनेट कर अगर बीच का रास्ता होगा तो बिल्कुल निकाला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए। नहीं, गठबंधन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों की बात एक सी दिखाई देती नहीं ना धरातल पर। अगर बागेश्वर में प्रमाण हो गया था इस बात का, एक अफवाह बड़ी तेजी से ये हो गई कि भाई उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर झगड़ा हो गया। अफवाह नहीं सर, सबने देखा, बागेश्वर में सबने देखा था सर, एक सीट पर उम्मीदवार कांग्रेस का भी था और समाजवादी पार्टी का था, तो अलायंस का अर्थ क्या हुआ ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की डील हुई हो 24 को लेकर। भदौरिया जी जल्दी से सर आपका अपनी बात रखिए, अमिताभ जी के पास जाना मुझे, भदौरिया जी। नहीं बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगा कि गठबंधन ही गठबंधन ये लोग चिल्ला रहे हैं, और अभी जैसे उन्होंने कहा उनको छोड़ के चले गए, उससे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतने मजबूत हैं कि जिस तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग गठबंधन को संभालने से बहुत बड़ी बात है, सीटों को लेकर इनका अभी तो शुरू हो गया है, और ये सत्यता है, समाजवादी काफी समय से राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ रही है जगह जगह, मगर उत्तर प्रदेश के बाहर इनका कोई वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में जरूर इन्होंने सरकार भी बनाई, अभी भी विपक्ष में है, मगर आज दिन तक ये प्रयास शुरू किए इन्होंने, मगर ना तो मध्यप्रदेश में कुछ कर पाए, मध्यप्रदेश में एक दो सीटें बन जाती है, एक बार जरूर है जब काफी बीजेपी के पुराने नेता रोज के चले गए थे, तो उस टाइम मध्यप्रदेश में जरूर समाजवादी की स्थिति तीसरे नंबर पे आ गई थी, इनकी 7 विधानसभा सीटें थी, उसके बाद वहां भदौरिया जी उत्तर प्रदेश के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ रखती है, अगर भिंड की बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, मुरैना की बात की जाए, वो ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के टच में हैं, और वहां समाजवादी पार्टी लगातार अपना काम कर रही है विस्तार करने का। सर आपको बड़े जिम्मेवारी से बताना, भिंड में इन्होंने ऐसा कोई चुनाव नहीं जो अपना कैंडिडेट न लड़ाया हो, मगर आज दिन तक इसका प्रत्याशी सामान्यजनक वोट भी नहीं ला पाया, पिंड में हो चाहे ग्वालियर में हो या मुरैना में हो, कभी नहीं ला पाया। इनको हमने कहा ना, इनको एक बार 7 सीटें मिली थी मध्यप्रदेश में, जब बीजेपी के कुछ नेता थे जो रुष्ट होकर इनकी टिकट लेकर लड़े थे, तो वो ही जीते थे, मगर थोड़े दिन बाद वो इनको छोड़ के इसलिए चले गए। ये पार्टी कहीं भी रहे किसी भी रहे, तुम जैसे कांग्रेस में एक परिवार का एक छत्रराज है, इसी तरह समाजवादी में एक छत्रराज है, तो वहां इन्होंने बार बार मध्यप्रदेश में अध्यक्ष सिर्फ यादव ही बनाया, दूसरा नहीं बनाया, इसलिए वो लोग छोड़ चले गए। तो दुनिया जानती है कि जैसे कांग्रेस का है कि वहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कोई हेड नहीं हो सकता, ऐसे समाजवादी का मुलायम के परिवार के अलावा कोई हेड नहीं हो सकता, जो अच्छे लोग आए थे वो चले गए। अब ये कोशिश करते रहे, राजनीतिक पार्टी है, करना भी चाहिए,
मगर उत्तर प्रदेश के बाहर इन्हें कुछ पूछने का मौका नहीं है, मेरा कहना ये। ठीक है अमिताभ जी, सर मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आ रही है। अमिताभ जी आज का टॉपिक ये है और आपने सुन लिया होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर अब वो प्रचार करने जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, तेलंगाना की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो। और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़े और क्या इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को सीट देंगे, खासकर कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में यह तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो जो चाहेंगे वही होगा, तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था, इनका जो बैठक हुई थी, ये भी तय किया गया था कि जो पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है वो वहाँ पे सीटों का जो तालमेल कैसा होगा सीटें लेगा ये तय करेगा। अखिलेश बाबू ने ये पूरी तरह से तय कर दिया है, इसलिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ अभी जो परिस्थितियां है ना, जो पांच राज्यों के चुनाव को लेके, देखिए वो टकराव इनमें होगा, अगर ये लोग अगर दूसरे प्रदेशों में लड़ने जाएंगे तो टकराव होना ही है इनके बीच में, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि पहले आप लोग जो 2024 के लोकसभा का सीटों का जो तालमेल है और जो बंटवारा है वो कर लीजिए लोग जल्दी से जल्दी, वरना होगा क्या ये जो पांच राज्यों के चुनाव है उसमें जो है काम था कि इनके बीच में ना आपस में तकरार और बहस और सीटों को लेकर, क्योंकि देखिए अखिलेश जी ने बहुत स्पष्ट ये भी कह दिया कि ऐसी सीटें मुझे सीटें ये लोग देंगे उसी हिसाब से मैं इनको प्रदेश में सीटें 2024 में, ये खतरे की घंटी है सर ये बहुत, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो बता रहे हैं कि कांग्रेस इनके लिए सीटें छोड़े, यहाँ तक कि राजस्थान में तीनों जगह पे कोई है वहां पे आपके बीच में आपके टकराव होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस का मतदाता वर्ग है वही मतदाता वर्ग सपा का, इसलिए ये टकराव जो है बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस यह कभी नहीं चाहेगी कि उनका मतदाता वर्ग जो है वो सपा के साथ चला जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर हो सकता है। अमिताभ जी फिर अलायंस का अर्थ क्या हुआ? देखिए अलायंस केवल भाजपा से लड़ने के लिए, अच्छा ये तो ये खुद भी जानते हैं और खुद भी कहते भी हैं, मना तो कोई करता नहीं क्योंकि भाजपा से अकेले अब कांग्रेस भी नहीं लड़ सकती, ये स्पष्ट है, कांग्रेस ने मान भी लिया है कि जो सत्य बात है वो सत्य बात है, तो वो उससे लड़ने के लिए है, तो वहां पे तो इनको मजबूरी है कि इनको आना पड़ेगा साथ में, और साथ में आके लड़ने से ही भाजपा को कुछ हद तक टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि जो अभी तक सर्वेक्षण वगैरह चल रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, स्टेट इलेक्शन से राष्ट्रीय इलेक्शन से चुनावों को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, बहुत कम अंतर पड़ता है उससे, राष्ट्रीय हित के मामले बिल्कुल अलग होते हैं और भारत देश की जनता जो है इस मामले में बहुत सजग है, क्योंकि पहले के बहुत सारे इलेक्शन ऐसे भी हुए हैं, अभी जो एक देश एक इलेक्शन को लेकर बहस चल रही थी उसमें ये सारी बातें आई कि पहले एक देश एक इलेक्शन जब हुआ करता था तो एक साथ केंद्र का और राज्य का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन एक ही राज्य की जनता केंद्र में किसी और पार्टी को जिताती है और राज्य में दूसरी पार्टी को जिताती है, इसका मतलब उसे पता है कि हमें राज्य के हमारा मुख्यमंत्री हमें कौन चाहिए और प्रधानमंत्री कौन चाहिए, कौन कहां पे ज्यादा सूटेबल है। तारिक खान साहब, अमिताभ जी का ये कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टकराव होगा क्योंकि वोट बैंक सेम है, कैसे टकराव को निपटेंगे आप? बनी हुई है, कमेटियां आपस में बैठेंगी, बात करेंगी, विचार विमर्श करेंगी। तारिक खान साहब ये फोन को हटा दीजिए सर, आप कौन रास्ता जरूर निकलेगा हमारी आवाज में जी आवाज आ रही है सर बोलिए, रास्ता जरूर निकलेगा मुझे लगता है तारिक जी की आवाज को ठीक कीजिए, मैं सर आपकी आवाज को ठीक करवाता हूँ, एक सेकंड भदौरिया जी के पास जाता हूँ। भदौरिया जी, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया, टकराव हुआ तो फायदा आप ले जाएंगे? हमारा तो देखो पूरा देश ही हमारा
फायदा हम किसी ये नहीं देखते कि हम किसी का वोट काट के फायदा लेंगे। जैसे हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने बड़े तरीके से कहा। और ये सच्चाई है कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है कि हमने किस तरह से आज राष्ट्र को वहां से कहां ले गए। जब हम 2014 से प्रेसिडेंट नहीं आए थे तो इसी देश की क्या हालत थी, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, तो आर्थिक क्षेत्र में बोल लो, और तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए पहले क्या हाल था, भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, और जितने भी उद्योग 2 नंबर के वो कितने फर्क खुल रहे थे। आज योगी जी ने वहां क्या हाल बना दिया है, लिस्टेड आदमी है, वारंटी भागे घंटे चल रहे हैं। अगर आप क्राइम करोगे तो फंस के नहीं जाओगे, आपका अगले जो कहा कि अगले चौराहे से आपको यमुना खड़े मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, मगर इनके कार्यकाल में बलात्कार लड़कियों को उठाया जाता था, उठा के उनका बलात्कार होता था। अगर वो चुप मुंह बंद करने के लिए तैयार होते थे तो ठीक है, और नहीं तो उनको उनको मार के फिटवा दिया जाता। ठीक है, अगर आज हमारे यहाँ लड़की का अगर किसी का दुपट्टा भी उसका छीना गया है तो दूसरे दिन उसको स्टार्ट करके पकड़ा गया है। ठीक है, और हम उस जेल में क्या इसकी स्थिति होगी। तारिक जी आवाज मिल रही है? ठीक है सर, तारिक जी आवाज मेरी मिल रही है आपको? सर आ रही है जी, अपनी बात को रखिए सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात को रखिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कहा जाता है कि 60-62 विधायक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं अपनी बात करूंगा, मुझे आदत नहीं है कि मैं दूसरी पार्टियों की बुराई करूं या उनके मैटर में बेवजह घुसूं। मेरा सीधा सा ये कहना है कि हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम जिन स्टेटों में लड़ने गए वहां पहले लौटे आए, कमेटियां बनी हुई हैं, अगर कोई कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो जल्दी सामने आ जाएगी, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, ऐसा मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि आने वाले वक्त में गठबंधन में कोई दरार आएगी। मैं इसका वादा करता हूँ कि गठबंधन मिलके जितने भी लोग साथ में आए हैं, सिटिंग में जो लोग रहे हैं, वो लोग एक साथ मिलके ही चुनाव में जाएंगे, और मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम निकल के आएगा चुनाव के बाद। ये सीधा सा इंडिया गठबंधन का कह लीजिए या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। हाँ, लेकिन एक मसला जरूर है जो स्टेटों का है, इस बात से मैं इंकार नहीं करता, उसको सुलझाने के लिए कमेटियां बनी हुई है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जब कमेटियां बनी हुई है तो उस मैटर को भी हम, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम एक कदम नहीं चल पाएंगे, ये बात बाकायदा सार्वजनिक पटल पर मीडिया और बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि ये गठबंधन एक दिन नहीं चल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा। देखेंगे सर, तीन मीटिंग कर चुके हैं। देखेंगे सर। भदौरिया जी जल्दी से अपना बात रखिए। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि गठबंधन, जैसे मैंने पहले कहा, अगर चुनाव आते आते ये चल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं, ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे, ये आपस में एक दूसरे का करेंगे। जो वोट समाजवादी का है वही कांग्रेस का है, वोट तो उनका सेम है, और उस वोट के पीछे जो है ना, ये आप उसमें लड़ेंगे और लास्ट में एक दूसरे को भगेंगे। जैसे अभी देखा केजरीवाल इन लोगों से जो है ना अपनी दूरियां बनाने लग गए हैं, तो फिर केजरीवाल को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ना है, राजस्थान में भी लड़ना है, तो वो अभी से अपनी दूरी बनाने लग गए। ठीक है सर, अमिताभ जी से ठीक है सर, अमिताभ जी फाइनल कॉमेंट आपका सर, जल्दी से। देखिए अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं विपक्षी गठबंधन के राह में, नीतीश बाबू भी नाराज हो गए हैं, और देखिए इनकी पार्टी ना, देखिए कांग्रेस वाले अजय राय जी ने कह दिया कि हम तो 80 सीट पे लड़ने को तैयार हैं, जब सपा 65 सीट पे करीब सोच रही है लड़ने के लिए, दावा कर रही है कि 20-22 से ज्यादा सीटें ये दूसरे दलों को देंगे नहीं, और आरएलडी उसमें बीच में है जो 10-12 सीटों से कम पे मानेगा नहीं, तो कांग्रेस के लिए वहाँ बहुत कम गुंजाइश है। 5-7 सीटें मिल जाए उत्तर प्रदेश में तो बहुत है, बंगाल में तो मामला ही साफ है, और बंगाल में भी देखिए सीपीआई और टीएमसी के बीच लड़ाई चल रही है, नीतीश बाबू रूठ ही गए हैं, और आप कब किस करवट बैठेगी ये विपक्षी गठबंधन भी नहीं जानता है, क्योंकि आपने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आप और कांग्रेस की लड़ाई आपने देख ली थी, दिल्ली में साफ साफ कह दिया था उन्होंने कि सारी सीटों पर लड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, समय हमारे पास इतना ही है। भदौरिया जी आपका, तारिक खान साहब आपका, और अमिताभ कुमार जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है साल के अंत में। अखिलेश यादव प्रोएक्टिव है, चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी जनसभाएं हैं। अब देखना होगा कांग्रेस के साथ उनकी किस प्रकार से केमिस्ट्री बनती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।